समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव एक निजी कार्यक्रम में गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन में मां बेटी की दुखद मौत पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था तो इसी बुलडोजर के नाम पर बीजेपी के लोग तालियां बजा रहे थे। सरकार में विपक्ष को केवल बर्बाद करना और झूठे मुकदमे में जेल भेजना, यही काम। देखिए, यहाँ तो शादी विवाह में आए हुए हैं और लखनऊ से सुबह चला था आजमगढ़ अतरौलिया में, अतरौलिया से यहाँ आ गया। यहाँ संतोष यादव ने जो बेटी की शादी की है उसको आशीर्वाद दिया है वरवधु को। नेताजी, कल कानपुर की जो घटना हुई है, उस घटना को देखते हुए क्या कहेंगे? जो केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस मामले पर संवेदना व्यक्त करने पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन में बुलडोजर के नाम पर ये ताली बजवा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कानपुर देहात में एक ब्राह्मण बेटी और उसकी माँ एक झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी पर भी बुलडोजर चला करके कुचल दिया गया है और मौत हो गई। और जब मौत हुई है उसके बाद आपने देखा है कि लखनऊ में पूरा मंत्रिमंडल जश्न मना रहा था। कोई भी मंत्री शोक संवेदना देने भी नहीं पहुंचा है और ट्वीट पर, केवल ट्वीट पर ही, तो जबकि पूरी सरकार, और मेरा कहना तो है अभी तो इन्होंने ताली बजवाई हैं, कुछ दिनों बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर को पीटेंगे, अपने अपने सिर को पीटेंगे। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर के नाम पर, केवल ये बुलडोजर के नाम पर विपक्ष को जो धमकाने का काम कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विपक्ष को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जबकि आपने देखा है कि हमारी भी सरकार रही, नेताजी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।